हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालीज वेज किचन। आज हम बनाएंगे तड़का, वो चना दाल का तड़का बनाएंगे। इसके लिए हमको पहले से दाल को भिगोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जैसे तड़का बनाते हैं उसके लिए हम पहले से दाल को भिगो कर रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ भिगोना ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक कप चना दाल ले गई हूँ और उसके हिसाब से 1/4 कप उड़द दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं एक कुकर में ये चना दाल 1 कप और उड़द दाल 1/4 कप जो है डाल दूँगी और उसको अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लूँगी ठंडे पानी से, और उसमें फिर से हल्दी और नमक डालकर उसको 4 से 5 उसे लाने तक उबालूँगी। देखिए मैं धो ली हूँ, तो इसमें मैं नमक, थोड़ा सा नमक इसके स्वाद के अनुसार, दाल में जितना नमक लगेगा उतना ही नमक डालूँगी और हल्दी थोड़ा सा डाल लूँगी, और उसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डालकर उसको 4 से 5 उसे लाना तक मैं हाई फ्लेम पर पका लूँगी। तो उसको हम अभी गैस पे चढ़ा लेते हैं, कुकर को कवर कर गैस पे चढ़ा लेते हैं। मैं 4-5 उसे लाने तक इसको पका लूँगी और अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तड़के को तड़का लगाने के लिए। उसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले गई हूँ, देखिए, कसूरी मेथी जो है 1 टेबल स्पून ली हूँ, और ये जो टमाटो है छोटा सा यूज करें, एक ही टमाटो यूज करें। ये प्याज जो है 2 छोटा प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले गई हूँ, और ये पनीर को मैं हाथ से ऐसे देखिए टुकड़ा कर ली हूँ। तो ये बड़ा पीसेस था, मैं हाथ से ऐसे कर रही हूँ, क्यों ना नॉनवेज में अंडा का यूज होता है, तो मैं अंडे के जगह ये पनीर का वेज में इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले गई हूँ, अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ली हूँ, और हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ली हूँ। नमक स्वाद अनुसार फिर से डलेगा। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ली हूँ, 1/2 टेबल स्पून जो है गरम मसाला पाउडर, घी फिर से हम जो नेक्स्ट टाइम तड़का लगाएंगे उसके लिए ली हूँ, और ये 1 पिंच हींग है, 1/2 टेबल स्पून चीनी है, और थोड़ा सा हल्दी फिर से ली हूँ, जीरा 1 टेबल स्पून ली हूँ, और जो है बे लीफ और सूखी मिर्ची तड़के के लिए ली हूँ। तो मेरे जो कढ़ाई पर मैं सरसों का तेल को गरम करने के लिए रखी थी, तो ये गरम हो चुका है, तो मैं पहले चीनी जो 1/2 टेबल स्पून ली थी उसको डाल दूँगी। चीनी जो है तड़के के कलर को पूरा अच्छे से सुनहरा रंग देता है, तो मैं चीनी जो है वो तो देखिए ब्राउन कलर हो गया, कैरमलाइज हो गया, तो उसमें मैं बे लीफ को डाल दी, और पहले लहसुन को डालूँगी, फिर से अदरक को डालूँगी, और इसको थोड़ा सा अभी चला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेरा जो प्याज है उसको डाल दूँगी। अभी प्याज को और कसूरी मेथी का यूज कर रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी यूज कर रही हूँ, पहले उसको डाल दूँगी। उसके बाद मैं प्याज, देखिए एक बड़ा साइज का प्याज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं काटिएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो हमारा प्याज जल्दी भुन जाएगा। तो इसको हाई फ्लेम पर ऐसे थोड़ा चलाएंगे, हम इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा लाल होने तक प्याज को जो है रंग आने तक हमको भुनना है। ये 1 पिंच हींग को मैं डाल दे रही हूँ। उसमें हल्दी जो थोड़ा सा था अभी डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और उसमें फिर से हम डालेंगे टमाटो को, और जो ड्राई मसाले पाउडर सब लिए थे उसको डाल देंगे। देखिए टमाटो को डाल देंगे अभी, और मैं ली हूँ धनिया का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, उसको अभी डाल दूँगी, और अब गरम मसाला पाउडर भी मैं 1/2 टेबल स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये दोनों को डालते हुए हमको थोड़ा इसको भूनना होगा, स्लो से मीडियम फ्लेम तक हम रख कर इसको भून लेंगे। उसमें अभी जो पनीर को तोड़ कर लिए थे, देखिए काटी नहीं हूँ मैं, तोड़ कर ली हूँ, तो उसको डालेंगे, ये अच्छा लगता है ऐसे तोड़ कर लेने से। तो इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा नमक डालकर थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे, और इसमें जो दाल उबाले थे 4 से 5 उसे लाने तक, देखिए पूरा गल गया है हमारा दाल, ज़्यादा भी गला नहीं है, जितना तड़का के लिए चाहिए उतना ही गला है। तो इसमें अच्छे से हम अभी मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो है तड़का है तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एक छोटे से पैन को देखिए, फ्राइंग पैन को मैं गैस के ऊपर चढ़ाई हूँ, उसमें मैं जो देसी घी ली थी 1 टेबल स्पून उसको डाल दूँगी,
ये गर्म होने के बाद उसमें मैं जो जीरा थोड़ा सा बचा था उसको अभी डालूँगी और फिर से तड़का लगाऊँगी। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में जो हरी मिर्च काटी थी उसको इस्तेमाल करूँगी। मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर जो है बहुत पसंद आता है तड़के में। कोई कोई लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी हम इसका फ्लेम को जो है अप कर लेंगे और ये हमारा तड़का को दाल जो हमारे बनाए थे हम दाल तड़का उसमें अभी डाल देंगे। देखिए तो हमारा जो तड़का है अभी पूरा खाने के लिए तैयार हो गया। तो अभी सर्व कर लेते हैं तड़का। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अभी हम सर्व कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है तड़का जो है। आप इसको आराम से रोटी पराठा या नान के साथ खा सकते हैं या कुलचा के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। देखिए तो इसको हम ये राइस के साथ भी अच्छा लगता है, तो मैं लेकिन आज रोटी के साथ बनाई हूँ। थोड़ा प्याज और नींबू ले गई हूँ, अच्छा लगेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कर कर देखिए। जब भी तड़का खाने का मन करे झटपट इसको बना सकते हैं आप, बिना पनीर का इस्तेमाल करते हुए भी आप बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, सी यू अगेन।